हेलो दोस्तों, तो अब हम कर रहे हैं टंडम ऑयल की सर्विस। इसमें भी ट्रांसमिशन ऑयल ही पड़ता है, 50 नंबर। टंडम की सर्विस करते हुए एक साइड से मशीन थोड़ा उठा लेते हैं, वो इसलिए कि एक साइड नट होता है इसका, दोनों साइड नट नहीं होता। तो एक साइड जैसे इसका नट है तो उठा के इसको, और इसको हल्का सा नीचे को दबा देंगे टंडम को, तो तेल जो है सारा एक तरफ आके निकल जाएगा। तो पहले हम लेफ़्ट साइड के टंडम की सर्विस कर रहे हैं। अच्छे से समझने के लिए पूरे आप वीडियो ध्यान से देखो, एक एक स्टेप इसमें बताया गया है, देखो आप। देखो अब निकलेगा, आया तेज। हो गया भाई? तेज हुआ तो है। इधर था पहले। पीछे क्यों देते हैं दोनों, ये बराबर क्यों ना देते? बराबर का सिस्टम एक भी नहीं पूछे भाई साहब। ये ट्रांसमिशन के नीचे से पाइप लीक हो रहा, वो वाला प्लग लूज कर रहा, टाइट है, टाइट करना पड़ेगा। हां ये हो गया ना, तुम्हारे पास है इसकी चाबी? चाबी मिल जाएगी। टाइट कर दिया रे हर सभी हाथों हाथ के, और इसे कपड़े से सफा कर दिए। किसको ही ये करा था भाई साहब हमने टाइट एक बार पहले भी, मतलब बीट आया इसका, या तो स्लिप हो गया होगा। क्लब स्लिप तो खैर नहीं होगा, स्लिप तो खैर नहीं होगा। टाइट करके खोल दी फिर इन्हें। साहब ये जो नट जो है ना, मेरे को 23 नंबर का लगता है। 22 नंबर है? 22 नंबर पाना सर ना, 22 का लगता है ना, इसमें 24 का लगता है। 22 नंबर गोटी लगता है, 22 नंबर का गोटी भी सर कहाँ लगती है? गोटी टाइट कितनी लग रही है सर? ये देखो तो टाइट ही बैठेगा उतना सर, उतना नहीं, काफी टाइट है ये। हाँ जी, 23 नंबर तो मेरे दोस्तों टंडम का ऑयल लेवल, ये जो नट खोल रहे हैं इसको खोल के चेक होता है। इसको खोलने पर अगर तेल निकलता है तो टंडम का ऑयल लेवल जो है वो ठीक है, यानी कि पूरा 49 लीटर तेल है, 49 लीटर। इसको हल्का ढीला करके और तेल डालना चाहिए, इसमें से तेल निकलने लग जाए तो समझ लो तेल हमारा पूरा हो गया। बोलिए, हैम्बर ले लिया? हैम्बर खोल लेते हैं नीचे। खोल ना, ऊपर वाला कुछ नहीं खोलना, ऊपर वाला नहीं खोलना है। हैम्बर क्या चाहिए? हैम्बर पड़ा था, हैम्बर वो रखा हुआ है, ये पड़ा है उस्ताद जी, हैम्बर है ये। हैम्बर से स्लिप मारेगा गुरु जी, पहले मार जो ना। हाँ हो गया हो गया, क्या अंदाज तो अंदाज ही होता है, एक आध लीटर कम रह जाए सुसरा ज्यादा हो जाए, ये फिक्स लेवल है तो इसमें डालेंगे सुसर। भाई तेरे रहने दो, बस 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 खोल दे रही है। हाँ हो रहा है, कौन सी बात क्या नहीं, हाँ वाली पानी कड़ी पानी है, पानी वाली, हाँ वाली पानी वाली नहीं, पानी लग गया बाल्टी सर के, बाल्टी बचिया कि नहीं आया आई नीचे वाले पे पैर रख एक, दोनों पैर उसी तरफ कोशिश कर। अब ये बताए धार बांध के यहाँ तक डालनी है, बाल्टी आनी चाहिए फिक्स तेरे इसमें। ये समझ गया ये लौंडा, डाल डाल ले, ले।
डाल उठा यहीं से, हाँ उठाना चालू कर दे। पचास लीटर 49 लीटर है तो करे नहीं कुछ नहीं छोड़ दे। हाँ वही 50 लीटर आ जाता हूँ, 50 कैसे है इसमें ज्यादा आया था 50 किसमें दोनों बाल्टी 50 होंगे दोनों को मिला के 20 लीटर की एक है ना दोनों को मिला के थोड़ी 20 की एक है 20 की एक है। हाँ तो फिर इसमें से डाला था बाद में 49 8 इतने डाला हुआ दूसरी बाल्टी में। तीसरे नंबर में कितना डालना है इसमें थोड़ा डालना पड़ेगा 8-9 लीटर डालना आधा डाल दो फिर वो पहले देख के बता देंगे। देखो उसमें से उसमें जो डाले थे 20 लीटर जो गेज मिलाए थे उसका उसका बाल्टी ऑयल इसी में डाले हो ना है बचा हुआ जो ऑयल था ठीक है डाल तो दोस्तों ये थी टंडम ऑयल की सर्विस और इससे आगे देखोगे कि हाइड्रोलिक फिल्टर जो है वो कैसे चेंज होता है। तो दोस्तों ये हो रहा है इसका हाइड्रोलिक फिल्टर चेंज 2000 घंटे पे इसका ओनली हाइड्रोलिक फिल्टर चेंज होता है हाइड्रोलिक ऑयल चेंज नहीं होता है जो कि मैंने आपको एक लास्ट वीडियो में बताया था कि 2000 घंटे पे हाइड्रोलिक ऑयल की सर्विस भी होती है तो इन्होंने अब 2000 से बढ़ा के सीधा 3000 या 3500 पे आप करा सकते हो। दोस्तों ये हर साल कुछ ना कुछ चेंज करते रहते हैं ऑयल में इम्प्रूवमेंट करते रहते हैं तो उसकी जो हॉवर मीटर है यानी कि जो रीडिंग है वो भी बढ़ाते रहते हैं कि ज़्यादा घंटे पे सर्विस हो। जैसे पहले इंजन ऑयल की सर्विस 250 पे होती थी तो 500 पे होने लग गई है ठीक है तो दुगना फ़र्क पड़ जाता है इस चीज़ का। तो ऐसे ही हाइड्रोलिक ऑयल की सर्विस हम जब पहले करवाते थे काफ़ी टाइम पहले तो 2000 घंटे पे हमने करवाई है खुद लेकिन अब जो है हाइड्रोलिक ऑयल की सर्विस सीधी इन्होंने 3000 पे बोलते हैं 3000 पे रिकमेंड करते हैं कि 3000 पे या 3500 तक करा सकते हो। बाकी हर 2000 घंटे पे इसका हाइड्रोलिक ऑयल फिल्टर ज़रूर चेंज करना है। तो इसके लिए मैं कितने घंटे पे कौन सी सर्विस होती है एक दोबारा से नई वीडियो आपके लिए बनाऊंगा उनका नया अपडेट है उसके हिसाब से। मतलब सर आपको भी मतलब गवारा नहीं हो रहा कि थोड़ा बहुत अगर शीशा लगा है पहले तो खुला केबिन देते हो है। सर ये नीचे फिट होता है ना एक्चुअली बोरिंग के साथ फिट जाता है बोरिंग साइड नीचे गड्ढा होता है नीचे हॉलो है ना पूरा वो हाँ वही सेक्शन लाइन जा रहा है ना हाँ समझ गया। अब तो सर इतना बढ़िया ग्रेडर दे दिया और हमको बोलते रहे यही ग्रेडर है ये नया जो लिया ये वाला बोलते रहे यही है केबिन वाला नहीं है ये अभी तो आ गया। हाँ ये सर ये अभी तो लिया है अभी तो केबिन वाला भी आ गया तो केबिन वाला कितना बढ़िया ग्रेडर है 120 उसको कितने हॉर्स पावर में आया सर सेम है सारा कुछ सेम है केबिन चेंज किया इंजन चेंज किया है केबिन और बाहर का मॉडल ये इसमें तो इंजन में खाली डीजल लाइन जैसे चेंज किया है हाँ वैसा ही है उसमें भी वही है इसमें डीजल लाइन क्या चेंज है सर डीजल लाइन में जैसे फिल्टर वगैरह है ना हाँ फिल्टर चेंज चेंज कर दिया है फिर इको बटन दे दिया इको बटन दे दिया है इको बटन दिया है फिर उसके बाद इको का अलग अलग सिस्टम है भैया कि एक से लेकर 6 तक काम करता है 6 फिर फॉरवर्ड में एक से लेकर 6 तक काम करता है वो डीजल एवरेज को डीजल कंजप्शन को कम करने के लिए है 1 से 6 तक। हाँ अच्छा अच्छा ठीक ठीक इको वाला बटन होता है वो 1 से लेकर 6 तक काम करता है हाँ फॉरवर्ड में साथ हाँ और रिवर्स में 1 से लेकर 4 तक। अच्छा 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 तगारी भर गया क्या नीचे ये तगारी भरा देख लेना तगारी भर सर मैं गैस करूँ आप कहाँ के हो बता दो बिहार ना बिहार नहीं बलिया की तरफ बलिया के पास के बलिया तो यूपी आ गया ना यूपी आ गया हाँ फिर आ तो भोजपुरी जाती है वहाँ पे लेकिन हम तो भाई बिहार के हैं बिहार के हो किस जगह के बिहार में आ रहा
हारा डिस्ट्रिक्ट के। अच्छा गए हो कभी? नहीं सर, बलिया तक गए। हाँ अभी बेल्डिंग तो ऐसा मार रखा है, बेल्डिंग तो ऐसा है जैसे आम मिस्त्री से करवाओ। कैट लिखने की कोशिश कर रहे थे क्या था इसमें? क्या था? ऐसा लगा हम जैसे बोर्ड लूट के आए हैं। सर्विस करने तो आए थे आप? हम देखो देखो मेमोरी कार्ड में होगा, मेमोरी कार्ड लो लो सर। सीन पूरा आ गया। पीछे सर इसका नट है ना? ठीक है। कितने नंबर की चाबी लगेगी सर? 14। एक मिनट, ऊपर दिखाना, ऊपर दिखाना, ऊपर देखो इधर से बस ऊपर का। नीचे सर ग्रुप है ना? अच्छा सीरियल नंबर ठीक। तो दोस्तों ये था 2000 घंटे की सर्विस का तीसरा पार्ट, तीसरा स्टेप। अगर आपने इसके पहले पहला और दूसरा स्टेप नहीं देखा तो ज़रूर जाके देखें। और ये सारी सर्विस की वीडियो की जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताना, और वीडियो को लाइक ज़रूर करना तीनों वीडियो को। तो मिलते हैं अगली नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।